मैं जो गाता अरे मैं हूँ। आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शारदा जो है उसकी मंगेतर, मैं वो कहती हैं कि उनकी रात को 10 बजे तक या उसके बाद बात हुई है, तो उसका कॉल डिटेल्स आपने निकाला क्या? कैसा इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप लोग दैट इज नॉट अवेलेबल मालान। मिस्टर ताम्रकार? आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इन्होंने हैंडल किया, इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ। ईगो मत लाइएगा। क्या लगेरा जी, माला ये मिलर जी बताइए। बताइए। थर्ड वेब एप्लीकेशन आर्टिफिशियल, फर्स्ट वेब एप्लीकेशन विड्रॉल थी, सेकंड वेब एप्लीकेशन में डाटा विड्रॉल थी, एजुकेशन में 302 और 201 क्लास थी, श्रीमती यमुना बाई और मिस कृष्णा, मृतक राम कृष्ण। एंड मटेरियल विटनेस था एग्जाम एग्जामिनर से। डिसीज्ड के फैमिली मेंबर्स के ऊपर एलिगेशन है मामले उसमें कि इन्होंने अपने बेटे को मारा था। जी दैट इज द एंड अच्छा, ये वो है जिसमें वो शारदा से रात को उनकी बात हुई है, बात हुई है, किचन में थे ये, उसके बाद में जो है फिर वो, वीडियो कॉलिंग भी फिर हुई है। उनके वो अच्छा, डेड बॉडी कहीं पानी के स्रोत के पानी के पास पड़ी स्टोर हुई में मिली है, ये जी वही केस है? वही जी केस जी मैंने। वही। तो ताम्रकार साहब बहस करते थे, ठीक है, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन है? हम हैं लाठी जो मृतक है उसके माँ और बहन। और जो मटेरियल विटनेस है 7 लाठी, वो वो कहें एग्जामिनेशन एग्जामिन हो गए हैं, फर्स्ट आए जी। कौन कौन है हॉस्टाइल है बताइएगा। ये जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का था, PW1 लाठी, तो उसने जो नहीं, एक देखा सेकंड, 23 अगस्त को सेकंड व्हील एप्लीकेशन खारिज हुई है, 23 अगस्त था के बाद किसका वो हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, बताइए। जी। इसको आपने प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया कि नहीं बनाया? शेख साजिद को, जिसके नहीं साथ वो सट्टा खेलता था। मैंने हाँ, किसका बयान हुआ जी बताओ। लड़की, ये PW1 से PW7 तक है, जो आप 23 अगस्त के बाद है, हाँ, ये PW4 का बयान हुआ है, ये सात PW4 क्या कहते हैं, सात नौ को 21-9 को हुआ है मालूम लास्ट हाँ, क्या कहते हैं 7-9 को। वो स्टाइल लड़की 7-9 का, वो जो 15 साल एक सेकंड, का एंड अजय माइलॉर्ड आस्किंग माइलॉर्ड शेख साजिद माइलॉर्ड, इनको भी बनाया है माइलॉर्ड, एक से इनको भी मतलब विटनेस है माइलॉर्ड, ये भी इसमें विटनेस है ये, विटनेस अभी एग्जामिन हुए नहीं हुए, अभी नहीं हुआ माइलॉर्ड। अभी 21 विटनेस बाकी है, टोटल 21 विटनेस है। इन्होंने साजिद को जिसके साथ सट्टा खेलता था, इनको उनको भी साथ लड़की पार्सी क्वेश्चन विटनेस बनाया है ये, आई डोंट नो बट लड़की जो 4 PW4 5 ये हॉस्टाइल है, 6 लाख एक सेकंड, जी। ये जो इनकी मंगेतर थी उससे रात को 9 बजे बात हुई है ना इनकी, लास्ट मालूम उसके एस पर नौ दस्त बजे है ना टाइम? नहीं, टाइम इज इम्पोर्टेंट, देयरफॉर आई एम आस्किंग यू टू प्लीज चेक इट। मालूम 12-1 दिनांक 2-1-22 को मेरी रामकृष्ण से सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के 9:55 बजे तक कई बार बात हुई थी। 9:55 तक मतलब रात 9:44 बजे रामकृष्ण से वीडियो कॉल पर बात हुई थी, बात लाल इसके पहले वीडियो कॉल पे ही बात हुई थी। तब रामकृष्ण उसके घर में चूल्हे के पास बैठा हुआ था, उस समय चूल्हे के पास में रामकृष्ण के अलावा कोई और नहीं था। मैंने रामकृष्ण के खाने के बारे में मम्मी पापा के बारे में पूछा था, तो रामकृष्ण ने बताया था कि उसने खाना खा लिया है और उसके मम्मी पापा घर के अंदर हैं और उसकी बहन कृष्णा घर में काम कर रही है। वीडियो कॉल के बाद हमारी नॉर्मल कॉल पर बात हुई थी। रात 9:55 पर रामकृष्ण से मेरी आखिरी बार बात हुई थी। तब रामकृष्ण ने मुझसे बोला कि मुझे 10-15 मिनट का असाइनमेंट का काम है, काम पूरा करके कॉल करता हूँ। उसके बाद रामकृष्ण का कॉल नहीं आया। लास्ट कॉल मालूम इनका 10:15 बजे तक हुआ था। जी।
अगले दिन रामकृष्ण को फोन लगाया तो उसका फोन बंद आ रहा था। फिर मैंने रामकृष्ण के घर पर रहने वाले प्रीतेश गोलकर को करीब 9 से 9:30 बजे फोन लगाकर रामकृष्ण के बारे में पूछा तो उसने बताया रामकृष्ण की मम्मी सुबह सुबह मेरे घर रामकृष्ण के बारे में पूछने आई थी। तब मैंने प्रीतेश के मोबाइल से रामकृष्ण की मम्मी से बात की तो उसकी मम्मी ने बताया कि रामकृष्ण रात से घर नहीं आया है। तब से कंटिन्यू रामकृष्ण को फोन लगा रही थी, उसका फोन बंद आ रहा था। शारदा के मैलड अभी इसमें हुए नहीं है स्टेटमेंट में। शारदा तो वो जो खंडवा से वो जो मंगेशा जो फियांस वो क्या बताएगी, उसका तो लास्ट फोन पे ही बात है। बस बस कॉल डिटेल्स हैं आपके पास में किस डायरी में उससे जो बात हुई है उसके कॉल डिटेल्स हैं? नो मालूम है, सिर्फ व्हाट्सएप की चैटिंग है, मालूम व्हाट्सएप चैटिंग बस है। व्हाट्सएप चैटिंग तो ठीक है, उस पर टाइम पड़ा है क्या व्हाट्सएप चैटिंग पे? मालूम ये मतलब जी पैसों के ट्रांजैक्शन का है व्हाट्सएप में जो आता है। मैं आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शारदा जो है उसकी मंगेतर वो कहती हैं कि उनकी रात को 10 बजे तक या उसके बाद बात हुई है, तो उसका कॉल डिटेल्स आपने निकाला क्या? कैसा इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप लोग यार, सर हिलाने से कैसे काम चलेगा? जब पुलिस वाले तो आप पीछे पड़े रहते हैं। That is not available, Malan. Mr. Thamrakar, आप बुरा मत मानिएगा क्योंकि इन्होंने हैंडल किया, इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ। ईगो मत लाइएगा क्या लखेरा जी। Malan, ये मेन जो लिंक है वह उसकी मंगेतर है जी हाँ सर, जो कि कहती है कि मैंने रात को इतने बजे तक बात करी। ठीक, कॉल डिटेल्स ही नहीं है सर, वीडियो कॉल है सर। अरे वीडियो कॉल के डिटेल्स नहीं आते क्या? टाइमिंग नहीं आता वीडियो कॉल में? ट्रांजेक्शन जी तो अमाउंट ये तो ट्रांजेक्शन वीडियो कॉल का नहीं है सर, ट्रांजेक्शन अमाउंट का ट्रांजेक्शन है। ये अमाउंट का ट्रांजेक्शन तो दूसरे के साथ है, सट्टा खेलते थे उस लेडी के साथ नहीं है। शेख रशीद इमीडिएट कनेक्ट करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसकी मंगेतर का फोन कॉल? बस लास्ट दो पेज की फोन पे कर दिया ट्रांजेक्शन नहीं है वो उसी का ट्रांजेक्शन है, मतलब कि फोन पे कर दिया है ये सब। वो फोन पे वगैरह तो दूसरा ट्रांजेक्शन है ना, कितना उस तारीख का 2 तारीख का ट्रांजेक्शन कितने बजे का है लास्ट फोन पे का? सही है कुछ लास्ट सीन मालूम उसमें दिखा रहा है 1 फरवरी 2022 का, 1 फरवरी 2022 का मोबाइल पर, मोबाइल कितने बजे का? 7:30 का है, 7:30 PM। घटना किस तारीख की है? 2 तारीख की है ना, दो जनवरी की है ना, 1 फरवरी को कैसे दिखाएंगे?
उसके पहले की कॉल उसपे हमारे किस पे ट्रांजेक्शन हुआ था, बस वही वाले लगे ना उसके बाद आप हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। शारदा खुद कह रही है कि नॉर्मल कॉल पर भी बात हुई थी, पढ़ा था आपने, अभी आप ही ने पढ़ा था, फिर तो कॉल डिटेल्स कहाँ है वो लिखिएगा। श्री मिथिलेश प्रसाद तिवारी, अब आप लोग ऐसा ही करिए, सबको जमानत पे छोड़ देते हैं सर। इसमें एक एक ही और एफएसएल रिपोर्ट जो है सर, एक वो रस्सी जो इनको दबा के मारा था, हाँ उसमें वो जो रस्सी के रस्सी का जब्ती का गवाह जो है वो हो गया है जी सर, वो हॉस्टाइल है। हाँ, वो रस्सी के दोनों एक दूसरे से मैच पाई गई है, उसके गले की और इनके पास से जो जब्ती है वो भी बड़ी इम्प्रोबेबल है, जो डायरेक्ट एविडेंस है वो आप लेते नहीं। तो वो लेडी बोल रही है कि जो है उसकी कॉल पर बात हुई, डिजीज वॉज एंगेज टू हर, उसका कॉल डिटेल निकालने में क्या परेशानी थी आपको? श्री मिथिलेश तिवारी, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट्स, श्रीमती जमुना बाई, वाइफ ऑफ श्री भीमन सिंह एंड कुमारी कृष्णा, डॉटर ऑफ भीमन सिंह, फुल स्टॉप। दिस इज थर्ड बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नेक्स्ट केस क्राइम नंबर 17/22 इज रजिस्टर्ड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 302,